देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में RJD और JDU का महागठबंधन टूट जाता है। JDU एक बार फिर से RJD को एक बड़ा धोखा देते हुए नजर आते हैं, या कहें नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटू राम के रूप में कहे जाते हैं, एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो पलटू राम है। इसके बाद नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप विपक्षी दलों ने लगाए, कई बड़े सवाल उठाए गए कि आखिरकार नीतीश कुमार को ऐसी क्या कमी यहां पर सताने लगी कि बिहार में चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे कि कैसे इन्होंने विधायकों को यहाँ पर जबरन मनाने की कोशिश की, किस तरीके से नीतीश कुमार ने RJD से नाता तोड़ा, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए। और इसी बीच में तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि खेल अभी बाकी है, अभी आप रुकिए, ये लोकसभा चुनाव है और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार का बना बनाया खेल यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। इतना ही नहीं, चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ी बात नीतीश कुमार को लेकर कही और कैसे वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें मालूम था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी जरूर मारेंगे, और ऐसा हुआ भी। इससे पहले भी नीतीश कुमार पर कई बड़े सवाल प्रशांत किशोर यहाँ पर उठा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है, प्रशांत किशोर यहाँ पर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर 128 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार बताते हुए नजर आते हैं, तो क्या सदन में विश्वास मत वो पेश करते हुए नजर आएंगे, या जिस तरीके से प्रशांत किशोर यहाँ पर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर भी यहाँ पर नीतीश कुमार का बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हमारे जहन में आते हैं और मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की बात करें, यहाँ पर चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच साबित होता हुआ भी नजर आता है, और ऐसी भविष्यवाणी नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने हाल ही में की थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, तो क्या जो प्रशांत किशोर अब भी नीतीश कुमार पर यहाँ पर हमले साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो RJD की मदद कर सकते हैं? क्या यहाँ पर जिस तरीके से उनकी भी एक बड़ी पार्टी है, जन सुराज पार्टी है, क्या यहाँ पर RJD को पूरा समर्थन उनका मिलता हुआ नजर आएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार का बना बनाया खेल यहाँ पर बिगड़ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई बार सटीक बैठती हैं, कई बार यहाँ पर ठीक होती है। नीतीश कुमार का देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति में जिस तरीके से वो अपनी राजनीति चाल चलते हैं, जब वो देख लेते हैं, वो भाप लेते हैं कि यहाँ पर लहर किस चीज़ की है, लहर किस पार्टी की है, तो वो उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। पहले इंडिया गठबंधन उनको मजबूत नजर आता था, तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, महागठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई हुई थी, फिर उनको वो रास नहीं आया तो वो NDA के पास चले गए, और लगातार वो ऐसा ही करते हुए नजर यहाँ पर आते हैं। और बात करिए आपने प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी की, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर नीतीश को जवाब देना चाहते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर RJD का एक विकल्प हो सकते हैं कि उनके साथ मिलकर उनके साथ गार्ड से यहाँ पर नीतीश को झटका दिया जाए, और ऐसे में जो उनका मिशन 2024 का है वो पूरी तरीके से यहाँ पर निरस्त, यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ नजर आ सकता है कि राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी कैसे भी यहाँ पर नीतीश कुमार जो है पार्टी बदल लेते हैं, अपने यहाँ मंच बदल लेते हैं। पहले तो NDA को भ्रष्टाचारी कहते हैं, NDA को कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हो सकता, ये जनता का काम नहीं कर रहे, फिर उसी NDA के साथ जाकर वो जुड़ जाते हैं। कभी वो RJD की बुराई करते हैं कि यहाँ पर इतना घोटाला इन्होंने किया, जनता का काम नहीं कर रहे, फिर उसी RJD के साथ वो सरकार बनाते हैं। तो कहा जाए कि यहाँ पर नीतीश कुमार की जुबान का भरोसा कभी भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता, वो सीट का लालच या फिर कह लीजिए राजनीति लालच में कभी भी पलटी मार सकते हैं। और आपने देखा होगा बिहार में अब तक 5 बार चुनाव हुए, लेकिन 9 बार खुद अकेले नीतीश कुमार CM पद की शपथ ले चुके हैं। आप देख ही सकते हैं कितने बड़े यहाँ पर दल बदलू हैं, कितने बड़े पलटू बाज हैं वो यहाँ पर, लगातार वो ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर 17 महीने ही सरकार चल पाती है और किस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर 9वीं बार NDA के समर्थन में मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहा जाए, जिन विधायकों के समर्थन में यहाँ पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, बहुमत से ज्यादा ही उनके पास विधायकों की संख्या है, क्या जब सदन में विश्वास मत पेश करते हुए नजर आएंगे तो क्या यहाँ पर विधायक यहाँ पर उनका साथ छोड़ते हुए देखे जा सकते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुमत तो आप साबित करते हैं लेकिन बाद में असली खेल तब
पता चलता है जब सदन के अंदर आप विश्वास मत पेश करते हुए नजर आते हैं, तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार का खेल बिगड़ सकता है? देखिए, विधानसभा में उनको विश्वास मत यहाँ पर पेश करना होगा, उन सब लोगों के नाम देने होंगे जिन्होंने वो गठबंधन तोड़ के दूसरा गठबंधन बनाया। यहाँ पर दूसरे गठबंधन का क्या राजीनामा है, वो क्या चाहते हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जानना जरूरी होगा कि आपने क्या वजह वो आपको देनी होगी कि आपने यहाँ पर गठबंधन तोड़ लिया, जो नया गठबंधन यहाँ पर जोड़ लिया लगातार, यही वजह वहां जानना चाहेंगे। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव उनको घेरेंगे, यहाँ पर नीतीश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव उनको घेरेंगे और इन पलटू बात से पूछेंगे कि आप तो पहले यहाँ पर कहते थे कि आरजेडी का साथ ही अच्छा है, इंडिया अलायंस के साथ अच्छा, और इंडिया अलायंस की नींव यहाँ पर नीतीश कुमार ने खड़ी करी और फिर उसी नींव को खड़ा करके सबको साथ लाके सबको अकेला छोड़कर अब वो एनडीए में आ गए। यानी उन्होंने भाप लिया था कि इंडिया अलायंस में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, पार्टी के विकास के लिए वो एनडीए में यहाँ पर आए और अब यहाँ पर विधानसभा में वो यहाँ पर फंसते हुए रह सकते हैं। उनको पूरी तरीके से प्रूफ करना होगा कितने लोग उनके साथ हैं, किस तरीके से वो आगे अपनी सरकार को लेंगे और गठबंधन क्या वजह से तोड़ा, नया गठबंधन किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर जो है बना के दिया है। देखिए, एक आखिरी सवाल और रहेगा दौलत, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि वो पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार यहाँ पर पलटी मारने वाले हैं, तो एक बार फिर से वो एक और भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि एनडीए के साथ जाना प्रशांत किशोर की भी एक रणनीति है, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए का भी साथ छोड़ सकते हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए ही नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ यहाँ पर थामा है? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर लहर नीतीश कुमार भापने में काफी अच्छे हैं, वो राजनीति के इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि वो लहर भाप लेते हैं कि जनता अभी क्या चाहती है और जनता के अनुसार वो अपना काम करते हैं। भले ही जनता को ये पसंद ना हो कि पलटी यहाँ पलटी, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, एक दूसरे की बुराई करने के बाद भी वो उस दल में जाकर घुस जाते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं। देखिए, उन्होंने फिर दोबारा बयान दिया कि अब जहाँ है वहीं रहेंगे, जहाँ थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं उठता। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि भले ही जान दे देंगे लेकिन एनडीए के साथ नहीं आएंगे, और लगातार दल बदलना, बयान बदलना, ये तो उनके लिए यहाँ पर आम बात रह गई है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव का फायदा जुटाने के लिए, लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी चाल चली है, और जब वो देखेंगे कि विधानसभा में इस वजह से उनकी ताकत कम हुई है तो दोबारा बिल्कुल यहाँ पर वो आरजेडी या फिर किसी अन्य पार्टी का समर्थन लेकर एनडीए को फिर धोखा दे सकते हैं और यहाँ पर एक अलग सरकार का गठन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार जैसे कहे जाते हैं कि फेर बदल करते हुए नजर आते हैं, अपने फायदे के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसा ही प्रशांत किशोर ने भी कहा। अब क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर के आधार पर आरजेडी को कोई बड़ा फायदा अभी भी हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SBN9 न्यूज़। धन्यवाद।